Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 5 मिनट एपिसोड सीरीज एनटीए यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने चला रखी है आपके लिए. एपिसोड 6 आज जो है हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम 5 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर करते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं वो टॉपिक्स हम कवर करते हैं विद इन 5 मिनट्स. चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड. इसके अंदर सबसे पहले आ रहा है आपका टर्म्स इन रिसर्च, रिसर्च के इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके ऊपर जो है वो आपको मैथ्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत. जिसके अंदर आ रहा है एक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक तरह की एक्सप्लेनेशन होती है जो कि एक थ्योरी पर बेस्ड होती है. डेट मीन्स अभी उसका हमने रिजल्ट नहीं निकाला है हमारे रिसर्च वर्क का, लेकिन उससे पहले हमने एक टेंटेटिव रफ स्टेटमेंट, रफ एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दिए, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस. देन आ जाता है आपका सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि आपके जो रिजल्ट आए हैं थ्रू द रिसर्च वो कितने जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, कितनी उसकी एरर के चांसेस होंगे, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर. ठीक है, देन आ जाता है रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क और रिसर्च मेथड और टेक्निक्स चूजन बाय रिसर्चर. एक रिसर्चर के थ्रू जो भी मेथड्स टेक्निक्स वगैरह यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड द रिसर्च डिजाइन. और रिसर्च टूल्स क्या है? वो डिवाइसेस जिनके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जा सकता है फॉर रिसर्च, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च टूल्स. उसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट, पहले हम उसे कवर कर लेते हैं, बाकी हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना. तो रैंक बूस्टर एमसीक्यू कोर्स पेपर 1 और मैनेजमेंट के लिए नवदीप कौर मैम और आयुष्मा नेगी मैम 26 मई से ये कोर्स शुरू हो चुका है इनके द्वारा, तो इसे जरूर जो है वो एनरोल कर लो. इसके अलावा अगर आप पेपर 1 और इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो नवदीप कौर और अंकित कुमार सर जो हैं वो एमसीक्यू कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रैंक बूस्टर एमसीक्यू कोर्स जो 26 मई से शुरू हो रहा है. हर वेडनेसडे नए नए कोर्सेज शुरू होते रहते हैं अनअकैडमी पर, तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो. सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यस केवीएस मदान सर जो है वो अनअकैडमी पर अब आ चुके हैं, जो लाइव टीच करवा रहे हैं अनअकैडमी पर, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए अपने प्रिपरेशन के लिए. यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक वो लिख चुके हैं, तो बहुत बेस्ट बुक है वो और बहुत बेस्ट ऑथर और टीचर हैं वो, तो इनकी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा. उसके अलावा यस, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लस और आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, SHAFALINTA, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के फीस में. उसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि मेंटल, साइकोलॉजिकल कोई भी जो है, जैसे कि स्टेज फीवर हो गया, स्पीच डिसऑर्डर हो गया, किसी भी तरह का फोबिया हो गया, डर हो गया, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये हमारा एक बैरियर का काम करता है कम्युनिकेशन के अंदर. उसके अलावा इमोशनल बैरियर्स के अंदर जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर, तो इससे क्या होता है हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज जो है वो कम हो जाती हैं, डल हो जाती हैं इसकी वजह से, इमोशंस की वजह से, और हमारी इफेक्टिवनेस जो है वो कम्युनिकेशन की वो भी एक लिमिट हो जाती है. ठीक है, उसके अलावा फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो जैसे कि ऐसे बैरियर्स, पहली बात तो ऐसे बैरियर्स जो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, जैसे कि नॉइस हो गया, क्लोज्ड डोर्स हो गए, फॉल्टी इक्विपमेंट्स हो गए, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं ये सब कुछ. ठीक है, देन आ जाता है कल्चरल बैरियर्स. कल्चरल बैरियर्स में हर किसी का कल्चर अलग अलग है, जैसे कि हर किसी का ड्रेसिंग स्टाइल, रिलीजन्स, लैक होती है, किसी भी चीज़ की कमी होती है, फूड, ड्रिंक्स, पेट्स, हर चीज़ सबकी अलग अलग होती है, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो ये भी एक जो है वो बैरियर का कारण बनता है. उसके अलावा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हम जानते हैं कि कई तरह के मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, और ये मेथड जो हैं कई तरह की प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट्स के जो है हिस्सा बनते हैं कम्युनिकेशन के अंदर. उसके अलावा इफेक्टिव अगर हम एटीट्यूड बैरियर्स की बात करें तो कुछ पर्सन जो हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई काफ़ी ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये दोनों ही केसेस जो है बैरियर का काम करते हैं. उसके अलावा आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर आ जाता है सर्टेन डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमारी किसी बॉडी से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, कोई लिमिटेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर बनता है. देन आ जाता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली डिवेलप कर रही है, और अब जो है वो इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए कई बार साथ रहना, न्यू जो डेवलपमेंट्स हैं उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल है, तो यस, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक बैरियर का कारण बनती है. उसके अलावा सिमेंटिक बैरियर जो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एनटीए का इंपॉर्टेंट फेम जो है वो
ये टॉपिक है एंड टेक ऑफ जो है फेवरेट आप कह सकते हो, वर्ड्स वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, डिनोटेशन और कॉनोटेशन, उसके अलावा टेक्निकल जार्गन्स, बैड एक्सप्रेशन। तो वर्ड या लैंग्वेज से रिलेटेड जो बैरियर होता है वो सारे के सारे सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी सारे एपिसोड्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेकआउट करना। अगर आपने बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं अभी तक तो बहुत काम के हैं वो आपके लिए एपिसोड्स। और इसके अलावा इस जो अभी मैंने टॉपिक करवाया है आपको, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो उसे आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।